हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि एक्ने क्या होते हैं, एक्ने किस वजह से होते हैं और किस टाइप के एक्ने हमें हो सकते हैं। आज हम देखेंगे अगर हमें एक्ने हो जाए तो हमें किस प्रकार से इसे मैनेज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि जो बेसिक्स एक्ने लेजेंस रहते हैं, जैसे कि वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है या छोटे से पैपुल्स है, तो इसे हम घर पर भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 बार फेस वॉश करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ी तो बेंजाल परोक्साइड या टॉपिकल रेटिनॉइड्स क्रीम के यूज़ करने से भी ये कम हो सकते हैं। लेकिन जो वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इनका इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाता है तो उनमें पुस्टुल्स आने लगते हैं। कई बार ये पैपुल्स बढ़कर इन्फ्लेमेशन बढ़ने के बाद ये बड़े नूडल्स बनने लगते हैं, सिस्टिक लेजेंस आने लगती है। तो जैसे देखा हमने कि मॉडरेट एक्ने हैं, सीवियर एक्ने हैं, इनमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स है, मतलब चेहरे पे खड्डे आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें एक्ने आ जाते हैं तो हमें घर में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, हमें नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जो कि आपके इस डिसीज सीवियरिटी को देखकर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। देखा जाए तो मोर देन 85% पेशेंट्स में कई बार 1 या 2 एक्ने आते ही हैं, लेकिन सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी 20% या 30% पेशेंट में जो बेसिक एक्ने हैं उसके साथ इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, तो उसमें जब बड़े लेजेंस आने लगते हैं तो हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनको मैनेज करने के लिए जब हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो ये हमें कई बार ओरल एंटीबायोटिक टैबलेट दे सकते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक टैबलेट, बेंजाल परोक्साइड की क्रीम्स हैं या ट्रेटिनॉइन एंड एडापालिन की क्रीम्स भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मॉडरेट एक्ने एंड सीवियर एक्ने, इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्लिनिक विज़िट करना चाहिए, जिसमें कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। क्योंकि जब हम क्लिनिक में विज़िट करते हैं तो हमें ओरल मेडिसिन के साथ ही कई बार कोमेडाइन एक्सट्रैक्शन है, सैलिसिलिक एसिड पील है, इन प्रोसेस के भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ओरल मेडिकेशन के साथ ही आपको एक डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टडीज़ हुई है उनमें पता चला है कि जब भी हमारे डाइट में हाई शुगर लेवल कंटेंट फूड आते हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट लेवल फूड आते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादातर होते हैं, तो हमें एक्ने या पिंपल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें प्रॉपर एक्ने कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन की लेने की ज़रूरत है, कुछ टॉपिकल क्रीम्स लगाने की ज़रूरत है और डाइटरी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के साथ भी कुछ कुछ एक्ने बढ़ने लगते हैं, तो हमें वेट रिडक्शन इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हमने देखा कि जिस प्रकार के हमें एक्ने आते हैं या पिंपल आते हैं उसको किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर आपको स्किन हेयर रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या फिर आपको केमिकल पील या फिर कोबेडन एक्सट्रैक्शन, इस प्रकार के जो प्रोसीजर होते हैं उनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।